हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल्स। इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि एए पैनल का ओवरव्यू क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं आप अगर यूज करते हैं ओवर द सी पैनल का कंपेटिटिव है या फिर सी पैनल का अल्टरनेटिव है। और लास्ट वीडियो में हमने ये इंस्टॉल किया था और दिखाया था कि एए पैनल कैसे इंस्टॉल करें। उसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हमने किए जो ऑफलाइन रिकॉर्ड में नहीं थे, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज़ करें और कितना बेनिफिशियल है ये। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसमें लाइक कमेंट्स डेफिनेटली करें। दोस्तों, मैंने aPanel कैसे इंस्टॉल करें इसके ऊपर एक ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को जानना है कि वीडियो कैसे aPanel कैसे इंस्टॉल करें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, एंड उसके बाद ही आपको समझ में आएगा aPanel क्या है, जो कि वेब होस्टिंग का एक कंट्रोल पैनल है और वो काफ़ी इजी है, फ्री है, ओपन सोर्स है, जो हमें aPanel देता है। तो ये है एक फर्स्ट लुक aPanel का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इन्होंने डिटेल्स में लेफ्ट साइड में एक कॉलम बना के दिया है, एंड टॉप पर IP एड्रेस हमारा यहाँ पर दिख रहा है और लेफ्ट साइट में उन्होंने साइड बार का नेविगेशन दिया है। टॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है और कितने दिन से सर्विस अप है वो यहाँ पर देख रहा है। तो लास्ट अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो कि aPanel कैसे इंस्टॉल करें तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये फर्स्ट में टॉप पर स्टेटस है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ओवरव्यू है, 5 साइट होस्ट की हुआ है, 4 डेटाबेस इसमें बनाए, एंड ये ओवरऑल पूरा लुक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए इसमें, MySQL, PHP, FTP एंड मेल सर्वर, फेल टू बर्न एंड DNS मैनेजर, memcached। सो इसको आप अपने तरीके से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मैंने जो साथ में एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसका शॉर्टकट यहाँ पर नहीं आया है, वो है अपाचे। एंड जब फर्स्ट टाइम मैंने इंस्टॉल किया था इसको तो निंजेक्स सर्वर के साथ किया था, बट कुछ टेक्निकल्स इश्यू आ रहे थे निंजेक्स के साथ जो हमारी साइट पे कंपेटेबल नहीं थे, तो वापस से हमने इसको अपाचे इंस्टॉल किया। सो इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स है। ये पैनल बहुत ही ईजी है कंपेयर टू सी पैनल। अगर हम बात करते हैं तो सी पैनल एक कमर्शियल उसमें आ जाता है, इसमें इन्होंने कमर्शियल्स का एज ए एड ऑन दिया हुआ है। आप एड ऑन यूज़ करके, वो पेड एड ऑन है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हैं या फिर इंडिविजुअल ब्लॉगर डेवलपर या मैनेज करते हैं अपना VPS, सो इसको आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा पैनल मुझे तो लगा। सो लेफ्ट साइड में इन्होंने वेबसाइट का एक टैब दिया है जहाँ से आप न्यू वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, पुराने किसी को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आप फाइल मैनेजर में भी जा सकते हैं। इन्होंने फाइल मैनेजर दिया हुआ है, फाइल मैनेजर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर मैं इसके फाइल मैनेजर की बात करूं तो आपको मैं फाइल मैनेजर का एक लुक दिखा देता हूं। ये फाइल मैनेजर्स है, फोल्डर्स हैं यहां पर सारे, और फॉर एग्जांपल आप किसी भी फाइल्स को एडिट करते हैं यहां पर आप फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें कॉपी, कट, रीनेम, परमिशंस, कंप्रेस एंड डाउनलोड, डिलीट, एडिट। अगर आप एडिट करते हैं तो ये इनका एडिटर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। इस एडिटर में आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको करना है, एंड साथ में साथ अगर आपको दूसरा फाइल ओपन करना है तो वो भी आप यहां से फाइल अपना ओपन कर सकते हैं। फोल्डर वाइज आप जा सकते हैं यहां पर और किसी भी फाइल पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में वो फाइल ओपन हो जाएगी। यहां पर ये ब्लैंक फाइल है, मैं कोई दूसरी फाइल ले लेता हूं, ये भी ब्लैंक है। सो एडमिन सेटिंग PHP ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यू टैब में फाइल्स ओपन होती चली जाती हैं, जो कि सी पैनल में ऐसा फीचर्स नहीं है। सी पैनल में हर फाइल एक आपके न्यू टैब में होती है, यहाँ पर इन्होंने सारे टैब इसके अंदर दे दिए। तो ये फाइल मैनेजर का ओवरव्यू है, साथ में इन्होंने रिसाइकल दिया हुआ है, जितनी भी आप फाइल्स डिलीट करते हैं वो रिसाइकल में जाती रहती हैं, जैसा कि आपके नॉर्मल विंडोज़ में होता है। इसके अलावा एक और फीचर मुझे अच्छा लगा जो इन्होंने वेबसाइट्स के अंदर दिया है, आपको वेबसाइट का जितना भी सेटिंग है लाइक सब डायरेक्टरी है, बाइंडिंग करना है और ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, URL रीराइट है, वो सब इन्होंने वेबसाइट की सेटिंग्स के थ्रू दिया हुआ है। जो हमारा HTXS फाइल है वो पूरा यहाँ पर आता है, एंड डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ऑप्शन है, कौन से एक्सटेंशन को आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, कॉन्फ़िग फाइल है, ये इनका वर्चुअल डायरेक्टरी जो बनाता है,
एंड इसके साथ साथ में पीएचपी का वर्जन आपको चेंज करना है, तो पीएचपी का वर्जन अगर आपको चेंज करना है, पीएचपी का वर्जन आप यहां से चेंज कर सकते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करना है, तो लेट्स इनक्रिप्ट की तरफ से फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी इसमें कंबाइन किया हुआ है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं फाइल मैनेजर के। हॉटलिंक प्रोटेक्शन ये भी है, आप इसको यहाँ से हॉटलिंक प्रोटेक्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्स लॉक। सो ये सारे काफ़ी सारे फीचर्स इसमें इन्होंने दिए हुए हैं फ्री वर्जन में। इसके आगे एफटीपी है, एफटीपी जनरली आप यूज़ करते हैं, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल जिला या किसी डिफरेंट दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू। डेटाबेस का सेक्शन है, वो भी काफ़ी इजी है, यहाँ से आप एड डेटाबेस पर क्लिक करिए, आप डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी आप यहाँ पर देंगे वो आ जाएगा, उसका पासवर्ड है। माई एसक्यूएल है, लोकल पे आपको अलाउ करना है एवरीवन और स्पेसिफिक आईपी। सो डेटाबेस भी काफ़ी इजी है, यहीं से अगर आप क्लिक करते हैं तो पीएचपी माई एडमिन, सो डायरेक्टली आप न्यू टैब में पीएचपी माई एडमिन में आ जाते हैं, और आपके जितने भी डेटाबेस हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। सो ये सारे फीचर्स के साथ साथ में इसमें मॉनिटर ऑप्शंस दिया हुआ है कि सर्वर को मॉनिटर करने के लिए कितना यूज़ हुआ, क्या रिसोर्सेज यूज़ हुए, नेटवर्क इनपुट आउटपुट क्या है, डिस्क इनपुट आउटपुट क्या है। सो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने एक फ्री कंट्रोल पैनल में दी है, जो काफ़ी अच्छे है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी सारी चीज़ें दी है। जस्ट लाइक एसएसएच ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करना है, आपको जस्ट वन क्लिक करना है, एसएसएच आपका डिसेबल हो जाएगा। पोर्ट आपको 22 की जगह अल्टरनेट कोई दूसरा पोर्ट यूज़ करना है। सो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मैं इधर एसएसएल डिसेबल कर देता हूँ जो मेरा इनेबल था। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, फाइल मैनेजर है जो आपको मैंने दिखाया, वो वेबसाइट से डायरेक्टली लिंक है, फाइल मैनेजर है। क्रॉन जॉब का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, क्रॉन जॉब लाइक आपको कोई भी क्रॉन जॉब यूज़ करना है, रन करना है, सो वेरी इजीली आप बहुत सिंपल इजी यूज़र इंटरफेस के थ्रू क्रॉन जॉब ऐप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर दिया है जो कि सी पैनल में भी है, लाइक प्लगइन्स के नाम से, और यहाँ पर इन्होंने किया है ऐप स्टोर, लाइक आप मोबाइल में प्ले स्टोर के ऐप जैसा ही है, इसमें जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो यहाँ पर लिस्ट हो जाती है, और जो एप्लीकेशन ओवरऑल अवेलेबल है वो यहाँ पर लिस्ट हो जाती है। जस्ट सिंगल आप देखेंगे कि ये निंजेक्स का सर्वर है और यहाँ पर मुझे अब क्लिक करना होगा, तो जस्ट वन सिंगल क्लिक पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, और मुझे अनइंस्टॉल करना है अपाचे प्रेजेंटली, तो वन क्लिक पे अनइंस्टॉल हो जाएगा, उसका सेटिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, और किसी भी स्क्रिप्ट को अपडेट वगैरह करना है तो अपडेट का भी ऑप्शन आता है। पीएचपी के देखिए काफ़ी सारे वर्जन दिए हुए हैं उन्होंने, और इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो कुछ काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जो आपको वन क्लिक के ऊपर मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा पैनल है, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग और लाइट वेट है। कमर्शियल मॉडल्स भी हैं इनके, प्लगइन्स में या फिर थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। आप देखेंगे एफटीपी स्टोरेज है, गूगल ड्राइव का इन्होंने एक एड ऑन दिया हुआ है कि आपको अगर बैकअप चाहिए तो गूगल ड्राइव से आप बैकअप अटैच कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस के थ्रू, एंड थर्ड पार्टी है। एंड इसके अलावा एक सेटिंग्स करके ऑप्शन दिया है, देखते हैं सेटिंग्स में क्या इन्फॉर्मेशन है। सेटिंग में पैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी जस्ट सिंपल ऑन और ऑफ करने का इन्होंने दिया है। तो ये पूरा कंट्रोल पैनल है जो कि काफ़ी इफेक्टिव, यूज़र फ्रेंडली एंड लाइट वेट है कंपेयर टू सी पैनल। अगर आप यूज़ करते हैं इसको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ कर लीजिए, बट कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है। अभी क्या डिफरेंस इसमें कम है जो सी पैनल में ज़्यादा मिलता है या WHM में ज़्यादा मिलता है, तो लाइक पैकेज बनाना, यूज़र्स बनाना, रीसेलर्स बनाना, ये इन्होंने कमर्शियल मोड में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ क्यूरी है इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंट्रोल पैनल से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।